हमारे टीचर्स होते हैं वही इसमें सबसे महत्वपूर्ण
एक अपना भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपकी बैठक में आप सभी को आमंत्रित किया गया था। अभी हमारे जिले से बता रहे हैं जो हमारे डीओ ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो राजभर साहब है, उन्होंने एक विस्तृत रूपरेखा आपको बताई इसमें कि परिशिष्ट एक और परिशिष्ट दो में जो विभिन्न जातियां जनजातियां जो आती हैं, उनका हमें मकर अर्धमकर और विभक्त जनजातियों में सर्टिफिकेशन देना है। तो कौन सी जातियां हैं उसकी जानकारी आपके जो ग्रुप्स रहेंगे व्हाट्सएप पर उसमें भी भेज दी जाएगी। उसके साथ साथ जो पात्रता का जो शासन का एक सर्कुलर है वो भी इनके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि अभी बजट जी ने आप सभी को 10 दिन का टारगेट दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि 10 दिन में हम इतना अच्छा काम करें कि हमारा जो मनासा ब्लॉक है वो नीमच और जावत से आगे निकले। क्योंकि शासन की योजना है, इसमें अभी निकट भविष्य में अगले एक या दो माह में एक बड़ा कार्यक्रम होना है आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में, तो वहां पर जो है हम अगर अभी से प्रयास करेंगे और हमारे मनासा ब्लॉक में निम्न घुमकड़ और अर्धघुमकड़ जातियों के सर्टिफिकेशन ज्यादा बनेंगे तो समय से बात है कि हम दूसरे से आगे रहें। तो आगे भी रहना है और उसके साथ साथ शासन की जो योजनाएं आ रही है उसमें इन लोगों के लिए जो ये जो मुख्य धारा से जो छूटे रह गए या किसी भी कारणवश इनकी सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो आपके माध्यम से इन योजनाओं का हम लाभ इन समुदाय को दे सकते हैं। तो आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो मैं आप सबसे यही एक महत्वाकांक्षा मेरी रहेगी कि आप इसमें पूरी रुचि देके इसको अच्छे से करें और जैसे जैसे जो छोटे संकुल है जहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो आवेदन आपको भर देंगे तो आप मेरे ऑफिस भिजवा के रहें, उसमें हमें 10 दिन का वेट नहीं करना है कि 10 दिन के बाद ही आप भेजेंगे। अगर किसी ने 3 दिन में सारे प्रमाण पत्र इकट्ठे हो गए, सारे इसमें जो भी दस्तावेज लगना है आपके तैयार हो गए, आप मेरे ऑफिस में आके जमा कर दें। बच्चों के लिए इसमें निःशुल्क है, जो 18 वर्ष के अधिक आयु के हैं या जो वयस्क हैं या जो स्कूल में अध्ययनरत नहीं है तो वो लोक सेवा केंद्र से डायरेक्ट जो है आवेदन कर सकते हैं और वो हमारे पास ऑफिस में आके हम उसका जाति प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। तो आज इस बैठक में आप सभी लोग आए, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं चाहता हूँ कि इस अभियान का पत्रकार बंधुओं के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हो जिससे कि हम समुदाय को शासन की योजनाओं का लाभ दे सके। धन्यवाद। और सभी मेरे विभाग के वरिष्ठ और प्राचार्य और विमुक्त जाति के सभी शिक्षक बंधु, विमुक्त जाति के सभी समाज बंधु, इस कार्यक्रम में सहभागिता करके आपने सभी का अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए विद्यालय परिवार हार्दिक आभार व्यक्त करता है। और इस कार्यक्रम का हम लोगों को 8 दिन के अंदर सफल में करना है, इसी सभी की ऐसे पूरा आज मनासा ब्लॉक में सभी संकुल प्राचार्यों को, शिक्षकों को और घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के कुछ सामाजिक व्यक्तियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था
मध्य प्रदेश सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के रूप में एक विशेष अभियान चलाया जाना है, उसी के संबंध में आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में हमारे जिले से पधारे डीओ ट्राइबल राठौर जी और हमारे ब्लॉक के बीओ बीआरसी बसेड़ जी सभी लोग उपस्थित थे और हमने यहाँ पर आज इस विषय पर व्यापक चर्चा की और इसमें शिक्षकों को और संकुल प्राचार्य को जो कुछ शंकाएं थी, जो कुछ दुविधाएं थी, किस प्रकार से क्या पात्रता रहेगी, आवेदन कैसे लिए जाएंगे, तो वह सारे उनके प्रश्नों का आज उत्तर दिया गया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इन समुदायों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। सर, इस समुदाय में कितनी जातियाँ हैं, ये अभी तक सूचीबद्ध शालाओं में नहीं पहुँच पाया है, तो इससे कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। इसमें जो शासन के हमारे सर्कुलर्स हैं तो उसमें परिशिष्ट एक में 31 और परिशिष्ट दो में 20, कुल मिला के जो है 51 ऐसी समुदाय हैं जिसमें कुछ अनुसूचित जनजाति और कुछ अनुसूचित जाति और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग, तीनों वर्गों को मिलाकर ऐसी समुदायों को लिया गया है जिसमें घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ योजनाओं को जो रहती जातियाँ उसका फ़ायदा तीनों इनको लेके दिया जाएगा। और उसमें पूर्व में जो है ये शासन में ये योजनाएं चलाई गई लेकिन कुछ भ्रांतियों की वजह से अभी तक इसका जो है ग्रास रूट लेवल पर वो पहुंच नहीं पाया है, इसीलिए हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। सर, इस समुदाय के सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगेगा? इसमें जो स्कूल में जो बच्चे अध्ययनरत हैं वो संकुल प्राचार्य या जो शिक्षक हैं वो सीधे वो आवेदन भर के SDM कार्यालय मनासा में प्रस्तुत करते हैं। हम उन्हें शीघ्र ही जो है 3 या 4 दिन में पूरे उसके आवेदन का परीक्षण करके उसको जारी कर देंगे। इसमें जो अन्य जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं या जो वयस्क हैं वो लोक सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित समयावधि में हम उस योजना का लाभ दे देंगे। थैंक यू।